बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम साडे दुआ के साडे भैन मेनू अल्लाह ताला खुश रखे शाद आबाद रखे। इसे दुआ नाल करते हैं आई दी वीडियो शुरू करने पहले छोटी जी गुजारिश है भैन भी ने मेरे चैनल आज तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल आज तक सब्सक्राइब कर लो तो बैल का बटन लाजमी प्रेस कर लो ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो तक बार बार पहुँच जाए। करते हैं जी आज की वीडियो शुरू। अज मशाला काम के ऊपर पहुंचे हैं तो जिदा के दरवाजे कल लागे हुए थे अज प्रोग्राम यही सी असं लाने स्टार्टिंग लाने उस तो बाद जी काफ़ी भैन भाई कमेंट कर रहे हैं कि अस भाई ग्रिल लवाओ बरामदे में। सब तो पहले जी बरामदे में ग्रिल लवाओ तो बरामदे में ग्रिल लवावे जी इंशाल्लाह लेकिन कुछ टाइम ठहर करवावे। फिलहाल इतनी गुजाइश नहीं हैगी कि असी आज ग्रिल लवा दी क्योंकि दो जगह तो ग्रिल लगनी है। दो जगह तो ग्रिल लगन का कम से कम रुपया 50,000-60,000 मस्त है जी इस बरामदे की ग्रिल का। हजे चार दिन असी वेट करांगे ये ग्रिल स्टे करांगे ग्रिल नहीं लवावे। उस तो बाद दूसरे कमेंट आ रहे हैं जी कि विंडवां दे नाल सेफ्टी ग्रिल जरूरी है। बिल्कुल इस तरह ही है जी सेफ्टी ग्रिल बहुत जरूरी है तो लवावे भी लेकिन ये भी कुछ टाइम ठहर के क्योंकि मैं पता किया एक ग्रिल जी मैं मिल रही है 7500 रुपया के यानी कि 7500 एक विंडो की जी ग्रिल अंदरली साइड से लगनी है वह मिल रही है। ठीक है जी यानी कि सिर्फ दो जगह पर ग्रिल लगनी है एक उस कमरे में लगनी है एक इस कमरे में लगनी है बस वह स्टोर लाने की जरूरत नहीं हैगी किचन लाने की सेफ्टी ग्रिल जरूरत नहीं हैगी। ठीक है जी उस तो बाद अगे आ जाने जी दरवाज़िया दरवाजे माशाल्लाह भैन भी बहुत ही ज़्यादा पसंद किए हैं तो दरवाज़िया उपर है जोड़ा जी फिलहाल छापर चढ़िया हुआ लैमीनेशन हुई है ये जिस टाइम पेंट करने का टाइम आएगा इन्हें उतार देवे उतार के तो उस तो बाद ये उत्ते एक दफा पेंट लाजमी मारना जी क्योंकि पहले फिलहाल तो यह जरा समझ लो भी मौजूद है ना छापर मौजूद है उपर कोई परेशानी नहीं हैगी। बाकी जी आ रहे कमेंट लाग लाओ लाग ही लावे जी लाग तकरीबन साढ़े को 3000-4000 रुपये का एक लाग है। ठीक है जी तो चार लाग लगन वास्ते रुपया 15-16 हज़ार इतने भी लग जाना साफ सार इस करके लाग भी हजे फिलहाल स्टे करांगे तो वह जरा अरल का तो समझ लो भी पक्का लाइफ टाइम गरंटी है वो सीधे लग जाने ना खराब होने या ना लैनी ना देनी अंदरली साइड नहीं लगने सिर्फ बाहर वाली साइड तो लगने से लाकों के बारे भी सोचांगे जी कि लाग लाने या अरल लाने ये भी फैसला करांगे। तो ग्रिल का भी उम्मीद बड़ी कि मेरे भैन भैन मेरी जवाब मिल गया होगा कमेंट कर करके किन्ने दिन हो गए कमेंट आ रहा है कि अस भाई ग्रिल लाओ लाजमी ग्रिल लाजमी ग्रिल लाजमी है तो राती भी बड़े कमेंट आए कि अस भाई लाग जरूर लाओ लाग जरूर लाओ लाग भी लावे जी देखेंगे फैसला करांगे भी लाग लाने या अरल लाने लाग आ जाने तकरीबन 1500-1600 रुपये के अरल 1500-1600 रुपये के आने जी तो लाग आने तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये के चार इन्ना फर्क है। तो कर दें तैयारी अपनी जी स्टार्टिंग दी शुरू करता इतने शुरू करता है
ਦਾ ਪੀਸ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪੀਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਉਸ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ अच्छा जी माशाल्लाह समान सारा तैयार हो गया। चांदी थोड़ा कट लैके आए और पैर सीमत एज घरों कट लैके आए नवी जी बहन वास्ते क्योंकि बैग बैग स्टार्टिंग लगनी है तो स्टार्टिंग के उपर ना फिर बैग बैग लत्त दुखन लग पैंदी है इस करके घरों पीढ़ी लैके आए पीढ़ी के उत्ते बह के लावांगा करते हैं अपना काम शुरू और नाल अपने बंदे नूं शेयर करते थोड़ा बहुत समान लियाने वाला घर वाला काफी सारा समान मैं लिया के रखे फिर उस तो बाद पैसे पहले दिए थे एक मिनट के पैसे रह गए देने दोबारा में दई भाई ठीक है भाई दोबारो मैं मर गए साड़ी करते हाँ जी बहुत खूबसूरत लग रही है। जनरेटर चल रहा को आवाज़ भी आ रही है अलग ही है जी ग्रे सनी ग्रे दे नाल ही मैच कर दी असी यानी कि उस तरह की है जिस तरह असी उधर वाशरूम चलाई ना उहदे नाल दी है टाइल भी जी नाल नाल फिलिंग भी मुकम्मल कर दी है और नाल नाल लाई भी जा रहे नाल नाल तैयारी की जा रही बस अगे हैगी थोड़ी जी नरम और फिलिंग छड़ दी है मैं बाद चो भी सफाई कर दें बाकी जिन्नी है पिछले लाई है ये असी साफ करके सोहने तरीके ने कंप्लीट कर दी है बाकी ला रहे नाल नाल जी फिलिंग और अग भाई दरवाजे तो खोल देने से अंदर हवा आ जाती यार विंडो खोल ना विंडो खोल विंडो पीछे लंघ जाए अंदर अंदरली साइड तो लगे हुए है हवा लगे कमरे में वो भी खोल दे सारे दरवाजे खोल दे चलो जी ये भी विंडो के पिछन जा खोल देना हवा फिरे कमरे सुकन यार सला खैर करे स्टार्टिंग आई साड़ी फाइनल होंगी पी है आज गेट भी फाइनल हो रहा बस हाँ बस सही हो गया ठीक है हवा फिरे ना कमर बाकी जी माशाल्लाह स्टार्टिंग साड़ी लग रही है तो बिजली चली गई हुई है बिजली का इंतजार कर दे जब तक बिजली नहीं आती तब तक ये जो सीधे सीधे पीस उत्थे लगने वाले बिच बिच इधरली साइड के पीस लाने असी ਫੋਲੀ ਨਾ ਰਵੇ ਫੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਚਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਮੰਜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਫੈਕਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
इस करके थले अच्छे तरीके मसाला ला के आए सारे कोने के उत्ते ते पा रहे कल सू किसी चीज की टेंशन ना पड़े। एक कम साडा हुण तिकर हो गया फाइनल ते असीं भी अपने भैन भीआं कोल चाहवांगे इजाजत दोबारा इहदी फाइनल लुक दे नाल होवांगे हाज़र। खुदा हाफिज़।